मुख्यमंत्री है। जम्मू में आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। आज सुबह आवास से हिरासत में पार्टी के संयोजक जो है हिरासत में लिए गए थे और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लॉन्च हुए अभी 5 दिन पूरे हो चुके हैं और 14 जून की शाम तीनों सेना के प्रमुखों ने इसका ऐलान किया था, जिसके बाद अगले ही दिन बिहार में बवाल शुरू हो गया और विरोध की आग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रही, बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए कई देश के हिस्सों में ये फैल चुकी है और अब भी हजारों युवा इसके विरोध में सड़कों पर है और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर अलग अलग जगह जो है बवाल देखने को मिला है। इसी बीच जम्मू की तस्वीरें इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जम्मू में आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी नजर आई है और आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामा आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और आज सुबह आवाज से पार्टी के संयोजक को हिरासत में लिया गया है और वहीं पर अभी तक अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के बाद अलग अलग जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, बवाल देखने को मिल रहा है। कई पार्टियां जो हैं अग्निपथ योजना के विरोध में उठी हैं और वहीं पर आम आदमी पार्टी, आप देख सकते हैं कि जम्मू में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जो अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का, हमारे संवाददाता ग्राउंड से ऋतिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतिका बताइएगा, अग्निपथ योजना के विरोध में जो ये बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है और क्या कुछ सूरत हाल है? जब से अग्निपथ रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकल के आई है पहले से ही युवाओं में इसको लेके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और उन्हीं के समर्थन में अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी सड़कों पर कदम स्टार्ट कर दिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो सड़कों पे होती हैं, उसी को लेके आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। जैसे कि आपने देखा कि कई ज्यादा जितने भी वर्कर्स थे आम आदमी पार्टी के उनकी गिरफ्तारियां भी की गई और उसी के बीच में आम आदमी पार्टी से जुड़े जो भी लोग हैं उनका कहना है कि जो अग्निपथ पॉलिसी है ये एंटी यूथ पॉलिसी है, यानी कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी को उन्होंने एंटी यूथ पॉलिसी कहते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार का खजाना शायद खाली हो चुका है, इसीलिए वो सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार के नाम पे बेरोजगार बनाने में लगी। वहीं पर ऋतिका ये भी बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अग्निपथ जो योजना है वो एंटी यूथ पॉलिसी है, वहीं पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो एक तरफ, वहीं दूसरी ओर युवाओं से आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या टेक था इस पर? बिल्कुल, युवाओं को कहना है कि अगर वो 4 साल के लिए इसे ज्वाइन कर भी लेते हैं तो उसके बाद तमाम जो 75% जो युवा हैं उनका बाद में क्या होगा, क्योंकि 25% तक वालों को तो कहीं और क्षेत्र में जो है वो भेज दिया जाएगा, ऐसा इस पॉलिसी में बताया गया है। तो जो बाकी के 75% बचेंगे वो अपने आगे का फ्यूचर किस प्रकार से बनाएंगे, उनके फ्यूचर की गारंटी कौन लेगा, तो युवा जो है इसी चीज को लेके जो है यहाँ पे उनमें गहमा गहमी बनी हुई है और इसी चीज को लेके उनमें असंतोष भी बना हुआ है। वो चाहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म सर्विस ना बनके एक लॉन्ग टर्म सर्विस जो है वो बनाई जाए ताकि उनके फ्यूचर को लेके एक सिक्योर जो उनको एक आश्वासन जो उन्हें मिलना चाहिए वो आगे के लिए बना। शुक्रिया ऋतिका ज्वाइन करने के लिए। तो ऋतिका ये तस्वीरें सीधा ग्राउंड से दिखा रही थी जहां पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा बवाल किया गया है, हालांकि कई युवा भी हैं जो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे हम कठुआ की, क्योंकि इस वक्त कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि HDFC बैंक में जो है एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कठुआ से खबर सामने आ रही है कि HDFC बैंक में लुटेरों ने डाका डाला है और गार्ड को बंधक बनाकर बैंक से कैश लूटा गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है पर लुटेरों का फिलहाल कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। तो कठुआ से आ रही खबर से रूबरू करवा रहे हैं आपको, जहां पर एक बैंक में बताया जा रहा है HDFC बैंक में लुटेरों ने डाका डाला है, एक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पहले गार्ड को उन्होंने बंधक बनाया और उसके बाद बैंक से कैश लूटा। हालांकि जो लुटेरे हैं फिलहाल फरार हैं, कोई भी अता
पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू हो चुकी है, लुटेरों को ढूंढ निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें सीधा कठुआ से आप देख रहे हैं, जहां पर HDFC बैंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लुटेरे बहुत सारा कैश जो है वो बैंक से लूट कर चले गए हैं। पहले इस लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले गार्ड को बंधक बनाया गया और उसके बाद बैंक के अंदर घुस के कैश को लूटा गया है। हालांकि लुटेरे फिलहाल फरार हैं और कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है लुटेरों को ढूंढ निकालने के लिए और जल्द ही वो गिरफ्त में होंगे, जिस तरह से पुलिस एक्शन मोड पे है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बताइएगा कठुआ के एक बैंक में जिस तरह से एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है, कितना कैश वहां से लुटेरे लूट कर फरार है? जी बिल्कुल प्रियंका, ये HDFC बैंक है और शहर के हटली मोड़ इलाके में से ये बैंक है और ये बताया जा रहा है कि बीती रात वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने दस्तक दी है, जिसके बाद उन लोगों ने वहां पर जो सुरक्षा कर्मी था, जो बैंक का गार्ड था, उसको वहां पर उन्होंने बंधक बनाया है और वहां से कैश लूट कर वहां से फरार हो गए हैं। हालांकि कितना कैश था, कितने लोग आए थे, पुलिस पूरे मामले की अभी छानबीन कर रही है, कुछ भी जो है वो नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ये सूत्र जरूर बता रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब जो ऐसा कैश है जो यहाँ से ये लोग लूट के फरार हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि बैंक के पास की ही बिल्डिंग से ये जो लुटेरे हैं ये बैंक के भीतर घुसे हैं और वहां से पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली है, पुलिस को सुबह 5 बजे करीब इस बात की सूचना मिली है और तब से लगातार पुलिस की छानबीन जारी है। पुलिस के आला अधिकारी बैंक के अंदर हैं, अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पूरे मामले की अगर बात करें तो पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। बिल्कुल, जिस गार्ड को बंधक बनाया गया था सरबजीत, उसने कुछ बयां किया है कितने लोग थे, किस तरह वहां पर आए, उससे पूछताछ के दौरान कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, जिसने मैंने पहले जिक्र किया कि अभी भी पुलिस के अधिकारी जो हैं वो बैंक के अंदर हैं और सभी जितने भी मुलाजिम हैं इस बैंक के, जितने भी कर्मी हैं वहां पे सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले में कुछ भी अभी बोलने को तैयार नहीं है। और वहीं जिस तरह से बैंक गार्ड की आपने बात की है, तो सुरक्षा जो गार्ड था उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ जो है वो लगातार इन लोगों से जारी है और यही उम्मीद जताई जा रही है और पुलिस यही कह रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले के जो हुआ है इस पर जो है वो पर्दाफाश कर दिया जाएगा और जल्द ही जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी धरपकड़ जो है वो कर ली जाएगी। जी शुक्रिया सरबजीत ज्वाइन करने के लिए। कठुआ से सरबजीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो इस हवाले से जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पुलिस ने ये कहा है कि जल्द ही जो लुटेरे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और जिस गार्ड को बंधक बनाया था फिलहाल पूछताछ जारी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है इस बार जो अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। कोरोना के कारण बहुत देर से जो श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाए थे, पर इस बार तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जिला अनंतनाग की अगर हम बात करें तो तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और श्रद्धालुओं के स्वागत को जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा सहित अन्य इंतजामों की समय समय पर समीक्षा हो रही है। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि इस साल कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु, और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल किया जाए है मुकम्मल किया गया है। अगर हम बात करें पहलगाम वाले रास्ते से जो श्रद्धालु जाएंगे या फिर बालटाल वाले रास्ते से जो श्रद्धालु जाएंगे, जो चॉपर के थ्रू जाएंगे, सबके लिए जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल किया गया है। और चॉपर की सर्विसेज के लिए जिस तरह से ऑनलाइन पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ गुफा में बताया जा रहा है काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और सीधा तस्वीरें आप अमरनाथ होली केव से देख रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला
जारी है। अब उसके चलते और क्या कुछ इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और चाहे हम रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करें या फिर चॉपर सर्विसेज को लेकर बात करें या फिर जो जिन श्रद्धालुओं ने वहां पर पैदल यात्रा करनी है उनके लिए अगर तैयारियों को लेकर बात करें तो हर किस्म की जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर लिया गया है। पर मौसम के हवाले से आप देखिए लगातार अमरनाथ होली केव के बाहर जो बर्फबारी हो रही है उसकी तस्वीरें जो सीधा आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अनंतनाग जिले की बात करें तो तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बालटाल बेस कैंप से भी हमने आपको खबर बताई कि वहां पर भी कैसे तैयारियों को मुकम्मल किया गया है, जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ का दौरा कर वहाँ का जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी को भी काफी टाइट किया गया है, और ये तस्वीरें आप सीधा अमरनाथ होली केव से देख रहे हैं जहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो चलिए रुक करते हैं अनंतनाग का। हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा बताइएगा, अब कुछ ही वक्त रह गया है उस पल को जिस पल का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है, प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? अपने आगाज में कहा कि हर किसी की नजर पूरे देश को नजरे है श्रद्धालुओं पे, और श्रद्धालुओं की नजर जो है वो उस डेट पे है कि जब कब पहला जत्था जो है पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे, क्योंकि पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 2 साल का इंतजार जो है श्रद्धालुओं को करना पड़ा, क्योंकि बम बम बोले और जय जयकार के नारे जो है वो 2 साल यहाँ पर नहीं गूंज उठे, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से जो है वो यात्रा नहीं हो पाएगी। लेकिन इस बार की यात्रा जो है उसको सफल बनाने के लिए जहाँ प्रशासन ने पहले ही सभी तैयारियां मुकम्मल की है, और प्रशासन जो है उन्होंने खुद जो है पवित्र गुफा तक का दौरा किया है, पवित्र गुफा में हर चीज जो है वो यात्रियों के लिए रहनी चाहिए, उसके लिए यात्रियों के लिए हर प्रबंध जो है हर सहूलियत जो है वो रखी गई है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे बिजली को लेकर, चाहे पीने के पानी को लेकर, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर, चाहे सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रखी गई है। मैं बता दूं आपको यहाँ पर के बानीहाल से लेकर पवित्र गुफा जो कि काफी धार्मिक रास्ता है पहलगाम का रास्ता, उस रास्ते पे काफी ज्यादा नजरें जो है श्रद्धालुओं को रहती है, और श्रद्धालु जो है वो इस रास्ते को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बालटाल का भी एक रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु जो है पवित्र गुफा तक पहुँच कर वहाँ पर यात्रा करते हैं, वहाँ पर शिवलिंगम के दर्शन करते हैं। प्रशासन हरकत में है, और प्रशासन की हम यहाँ पे आपको ये भी बता देंगे कि जिस तरह से पहले ही रास्ते पर काम जो है वो हाथ में लिया गया था, और उस काम को जो है तकरीबन यहाँ पे मुकम्मल किया गया है। मैं बता दूं आपको इस समय, क्योंकि यहाँ पे मौसम विभाग ने जो यहाँ पे पहले ही बताया था कि बारिश हो सकती है, तो उसको देखते हुए भी जिस तरह से देखा जाता है कि यहाँ से लेकर जो पवित्र गुफा तक का रास्ता है उस रास्ते पे हर जगह पे यात्रियों को किसी तरह की कोई मुश्किल पेश न आए, चाहे रास्तों की बात, चाहे हम इस रास्ते की बात करेंगे, हर जगह पर यहाँ पर यात्रियों के लिए जो है वो यहाँ पे जो चीजें है वो रखी गई है। प्रियंका शुक्रिया फिदा ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन हमें जानकारी फराहम कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, और तस्वीरें सीधा आप पवित्र गुफा से देख रहे हैं जहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की वेदर प्रिडिक्शन को लेकर। जिस तरह से पहले ही वेदर प्रिडिक्शन के हिसाब से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, और वहीं पर दूसरी ओर कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जून का महीना है, जून के महीने में सभी जानते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी के चलते अब कई जगह पर जहां बारिश हो रही है ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, राहत की सांस हर किसी ने ली है, और बर्फ की सफेद चादर से गुलमर्ग की चोटियां ढकी हुई नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, और 22 जून को मौसम के मिजाज सुधरने की भविष्यवाणी की गई है, और क्या कुछ आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज होने वाला है जानेंगे डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद से, देखिए क्या कुछ कहना है उनका।
पेशन गोई हमारी पहले से ही थी, लगभग 17 से जो है मौसम बिल्कुल करवट बदल लिया पूरा जम्मू कश्मीर में, और हल्की बारिशें तब से चल रही हैं, उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स बहुत सारे जगहों पे, और कुछ एक जगहों पे ओले भी गिरे हैं। तो अभी भी रुक रुक के बारिशें हो रहे हैं, खासकर यहाँ वादी में और जम्मू के कुछ एक इलाकों में। और इसी तरह ये सिस्टम जो है अभी फिलहाल 21 तारीख लेट नाइट या 22 के अर्ली मॉर्निंग तक रहेगा, हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं पूरे। और जम्मू के कुछ एक इलाकों में, खासकर जम्मू, कटरा, कठुआ, सांबा, कटरा, उधमपुर, इन सारे एरियाज में जो है हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, और यहाँ बटोट, भदरवा, इन सारे एरियाज में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर कल 21 तारीख को। और यहाँ साउथ कश्मीर में दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, और मैदानी इलाकों में भी यहाँ श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर में भी लगभग हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी, और खत्ते लद्दाख में भी हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल 21 को जो है इसका पीक होगा, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है मौसम में फिर सुधार आएगा। तो जहां पर आपने सुना कि वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर बात की जाए तो 22 जून को मौसम का मिजाज जो है वो सुधरेगा, और तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इश्फाक डार ज्वाइन कर चुके हैं। इश्फाक बताइएगा, मौसम का मिजाज बदला है जिसके चलते जून के महीने में भी इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ और मौसम का सूरत हाल है? जिस तरह से मौसम विभाग ने तारीख तक यहाँ पर बारिशें जो है हो सकती है, और वही अगर हम सैटिंग का गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर सैटिंग का गुलमर्ग के अपर पहाड़ीपुर और सनशाइन पीक पर जहाँ अभी भी जो हल्की बर्फबारी हो रही है, वही यहाँ पर जो टंगमर्ग की बात करें, यहाँ पर मैदानी इलाकों के साथ साथ गुलमर्ग के टंगमर्ग में यहाँ पर इस वक्त जो है अच्छी खासी जो बारिश है वो हो रही है, और बारिशें जो है हमले का नाम नहीं ले रही है। जहाँ पर्यटक स्थल पर काफी पर्यटकों के इस वक्त जो जमावड़ा लगा हुआ है, वही सैटिंग का गुलमर्ग के अगर बात करें, यहाँ पर रिश्ते इलाक की बात करें, यहाँ पर लोगों को इस बारिश और इस ठंडी से हमें लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में हमें काफी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सयाती सीजन की बात करें, इस बार जो यहाँ पर मौसम रहा है जिससे कितने बाकी बाहर के राज्यों से इस वक्त जो है पर्यटक घाटी का यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और सयाती मुकाम गुलमर्ग में इस मौसम का जो है आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मकामी लोगों की अगर बात करें, यहाँ पर जो खेती बाड़ी के लोग हैं उन्हें इस बारिश से जो है काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आज जो है जो बारिश हो रही है और यहाँ पर काफी ठंडी भी है, और ठंडी की वजह से लोगों को हमें जो है कंबल और कांगड़ी का एक बार फिर लंबी मुदत के बाद जो है सहारा लेना पड़ता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अगर आपकी बात करें, श्रीनगर के साथ साथ जो दाएं बाजू इलाके हैं, जिला बड़गाम में भी और जिला बारामूला के कुछ इलाके जहां पर पिछले दिनों सूखा पड़ गया था और नाले में जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो पानी का बहाव है वो भी बढ़ चुका है। हाँ बिल्कुल, ये भी आखिर में बताइएगा इश्फाक, जहां पर आपने कहा कि लोकल्स को काफी परेशानी हो रही है अचानक से जैसे मौसम का मिजाज बदला है, अब टूरिस्ट की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो इस बार देखने को मिला है, अब जबकि बहुत बारिशें हो रही है, अपर रीचेस में बर्फबारी भी हो रही है, और जून के महीने में लोगों को बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो उसके चलते क्या कहेंगे, टूरिस्ट इनफ्लो में और ज्यादा जो है बढ़ोतरी उम्मीद की जा रही है, या फिर मौसम को देखते हुए क्या कुछ पर्यटकों की आवाजाही के हवाले से अपडेट है? बिल्कुल प्रियंका जी, आपने सही सवाल किया। जिस तरह से आपको पता है कि बाहर के राज्यों में इस वक्त जो तपती धूप है, उस वजह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग से ही मौसम का जो है यहाँ पर उनको आनंद मिलता है, और जम्मू कश्मीर में जो मौसम इस वक्त है और आने वाले दिनों में अब जो है अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, और यहाँ पर जो मौसम भी है, क्योंकि इस मौसम को देखने के लिए बाहर के राज्यों के पर्यटक जो आ रहे हैं वो इसका लुत्फ काफी ले रहे हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज की डेट अभी जो है 5 से 6 हजार जो सैया है वो गुलमर्ग की तरफ अभी जा चुके हैं, और जो हमारे पास अभी ऑफिशियल रिपोर्ट है, और हमें अभी जो टंगमर्ग में जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी काफी तेजाद में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाइव नजारे हैं कि बरसती बारिश में भी काफी सैया जो है वो गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह यहाँ पर मौसम रहा तो वादी के जो बाहर से राज्यों से वादी का रुख जो सैया करेंगे और इसमें काफी इजाफा भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया इश्फाक ज्वाइन करने के लिए। तो इश्फाक डार इस वक्त लाइव तस्वीरें हमें गुलमर्ग से दिखा रहे थे, आप देख सकते हैं कि जहां पर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं पर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और जून के महीने में बर्फ देखना जैसे कि टूरिस्ट को मुमांगी मुराद मिल
गई हो, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि टूरिस्ट इनफ्लो और बढ़ सकता है। पर वहीं दूसरी ओर मौसम का मिजाज बदलने से आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए एक बार फिर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे आतंकवादियों पर सुरक्षाकर्मी कहर बनकर बरस रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे के दौरान कश्मीर घाटी में 7 आतंकवादियों को मार गिराया और रविवार से घाटी के विभिन्न जिलों में हुई 3 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों का सफाया किया। रविवार सुबह सबसे पहले कुलगाम में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मार गिराए और इसके बाद कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों घेराबंदी कर अभियान चलाया। यहां पर लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक ढेर कर दिया और वहीं रविवार देर रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा के चटपोरा के में छिपे आतंकियों को घेर लिया। आज तड़के वहां भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और वहीं अगर हम बात इस साल की करें तो अभी तक 114 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें 32 विदेशी आतंकी शामिल हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में अपने सहयोगियों के साथ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजी ओम प्रकाश खजूरिया को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पहले ओम प्रकाश खजूरिया के आवास के बाहर पहरा बिठाकर उन्हें घर में ही नजरबंद कर लिया और उसके बाद उन्हें मीरा साहिब पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्हें हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगता है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नए हथकंडे अपनाए होंगे किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोका जाए, बट ये मैं बताना चाहता हूँ, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट इन ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और दूसरा, जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से देश के अंदर फैसले लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट से नहीं पूछा जाता, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस नहीं होती, अपोजिशन को नहीं जाता, एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाती, इस तरीके से जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं और देश अनाकी की तरफ जा रहा है, इस तरीके से पुलिस हमें नजरबंद कर देगी तो समझ लो कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब आगे इनको पता होगा क्या है सीन, आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ लेके जाती है इस मोड़ को। बट जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर लखनपुर से लेके पीर पंजाल तक, चनाब बेली तक, पूरी जहां पे आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट करेगी। देखो, आज हमारा जो कमांडर को श्री ओम प्रकाश खजूरिया को इन्होंने हिरासत किया है बगैर मतलब। हमने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया था, कोई भी इनको घर से उठा के ले गए। आज हमारे जो कमांडर हैं ओम प्रकाश खजूरिया जी, आज उनका जन्मदिन भी है और इन्होंने जबरदस्ती पीस उठा करके ले गया। हम इसके बारे में भी प्रोटेस्ट करेंगे, आज हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन देंगे। अगर हम जो ऐसा जो प्रभारी हैं मीरा साहब के, अगर जो ओम प्रकाश खजूरिया को नहीं छोड़ते तो हम आज सड़कों के ऊपर छड़ के जाम करेंगे और विरोध करेंगे, क्योंकि जो इनकी गलती नीति की, सरकार की गलती नीतियों से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो युवा के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम बिल्कुल ढके भी जोड़ में कह रहे हैं कि ये योजना बिल्कुल गलत है, इसको वापस लो। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।